दिल्ली में राहुल गांधी से मिले सीएम हेमंत सोरेन का खुलासा, इंडिया गठबंधन में किसी तरह का असमंजस नहीं, चुनावी तैयारियों पर दिया बड़ा बयान, साथ मिलकर मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में एकजुट होकर चुनावी रण में उतरेगी झामुमो और कांग्रेस। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा सत्ताधारी इंडिया गठबंधन हो या विपक्षी एनडीए, चुनावी तैयारियां दोनों खेमों ने तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और सुदेश महतो की आजसू पार्टी के साथ गठबंधन का निर्णय लिया है। ये घोषणा भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में भाजपा चुनाव समिति की बैठक के बाद की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के साथ गठबंधन पर फैसला केंद्र नेतृत्व करेगा। दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिले। इस दौरान सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तीनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है। इनमें विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों की हिस्सेदारी पर प्रथम दौर की बातचीत की भी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा राज्य के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई है। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार मुलाकात जरूर बताया हो, लेकिन राजनीति में टाइमिंग का बड़ा अहम रोल होता है। झारखंड में बीते कुछ दिनों में जिस तरीके की राजनीतिक हलचल रही है, तोड़फोड़, पाला बदल की अटकलें और डैमेज कंट्रोल की कवायद हुई, माना जा रहा है कि इन सभी मसलों पर राहुल गांधी से हेमंत सोरेन की चर्चा हुई है। वैसे भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने के बाद सीएम हेमंत की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से ये पहली मीटिंग थी। गौरतलब है कि कांग्रेस और जेएमएम राज्य में गठबंधन सरकार का हिस्सा है। दिल्ली में हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि संयोग से वक्त नहीं मिल रहा था, आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शिष्टाचार मुलाकात हुई। अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी लड़ेंगे, इसके लिए रूपरेखा भी तैयार करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को दिल्ली में नए झारखंड भवन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर राज्य सरकार के कई मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। Follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.